नगर के होटल में SWC भंडारण निगम के प्रभारी का शव टंगा मिला। परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने एक सिपाही व एक SWC के मैनेजर के खिलाफ 307 धारा का मामला दर्ज किया, जो खून करके 10 लाख फिरौती की मांग कर रहे थे। ना देने पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी परिवारजनों को लगातार दी जा रही थी। मामला किसी महिला से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। SWC भंडारण निगम के प्रभारी राधेश्याम ने राम होटल में प्रातः 6:30 पर कमरा 208 बुक कराया और शाम को होटल मैनेजमेंट ने देखा कि राधेश्याम का शव कमरे में लटक रहा है। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना उनके परिवारजनों को दी, जो शाहजहांपुर में रहते हैं। परिवारजनों ने आते ही हंगामा काटना शुरू कर दिया और कहा कि सिपाही राहुल पंचांग SWC मैनेजर विजय वर्मा द्वारा लगातार उनको फोन पर धमकी दी जा रही थी कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। न देने पर आपत्तिजनक धमकी दी जा रही थी। पुलिस के समझाने बुझाने पर जब कमरा खोला गया तो कमरे का वेंटिलेटर खुला हुआ था, जिसको देखकर परिवारजन क्रोधित हो गए और कहा कि यह खुदकुशी नहीं हत्या है, हत्या करके सब टांगा गया है। परिवारजनों की तहरीर पर सिपाही राहुल पंचांग मैनेजर SWC विजय वर्मा व अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज किया गया। मृतक के शव को पंचनामा भर के PM के लिए पीलीभीत भेजा गया। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सारा मामला एक महिला से जुड़ा होना बताया जाता है। PM रिपोर्ट आने पर ही पुलिस विभाग सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मामला क्या है, मान लिया आप भी गड्ढे में रखे हुए हैं, पुलिस वालों पे आरोप लगा, हकीकत क्या है तो सामने तो आए, पुलिस को पता लगे, समाज को पता लगे, क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो ये कहते हैं 10 लाख रुपए ले आओ, क्यों मामले को निपटा ले, क्या चीज है, बोले बेइज्जती बहुत होगी, बस यही कहते थे। तो कोई तो इशारा किया होगा कि 10 लाख की मांग, मुझे बताया बेइज्जती बहुत होगी ये कहता था, अगर 10 लाख रुपए का मैटर है निपटा लो आके। मुझे 3 बार पूरनपुर बुलाया, आए आप, हम आए, कोई बात के बाद बोले कि हम आज मेरठ गए, आज यहाँ गए, आज वहाँ गए, नहीं बात हुई, कोई कोई वार्ता नहीं, लेन देन भी नहीं हुआ, लेन देन मिले ही नहीं मुझे। आ जाओ, कोई CDUD की बात कर रहे थे, हाँ वो कह रहे पैसों के लिए, पैसे लेके आ जाओ मामला निपटा दे। कोई और का मामला था, क्या था, कुछ तो होगा, कुछ बताने तैयार नहीं थे भाई, मिले तो मुझसे, इतनी बड़ी डिमांड कर रहे थे और आपने कोई पूछा भी नहीं क्या मामला है। वही तो पूछा है, कह रहे थे बेइज्जती बहुत होगी, क्या बेइज्जती, उसका मामला तो पता चले। अच्छा, आपके पापा ने कुछ बताया था उनको, क्या पापा ने कुछ, पापा ये कहते हैं कि हमको ब्लेमेल कर रहा है ये भाई। आपका शुभ नाम क्या है? अजय शर्मा। अजय, नहीं पापा से बात हुई इस संबंध में? पापा ये कहते थे कि ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे फंसा रहा है। तो किसी आपको जरूरत नहीं हुई किसी बड़े अधिकारी से बात करते, कोतवाल से करते, इस कप्तान साहब से करते, और भी लोग थे, अगर आप लोग कोई बात करते हो सकता है। ये केंद्र तो इंचार्ज के ऊपर और आपके सिपाहियों के ऊपर आरोप लगा, क्या है पूरा मामला? ये थाना पूरनपुर क्षेत्र में कस्बे में एक होटल में बॉडी मिली है जो राधेश्याम विश्वकर्मा जी की है, कमरे में, उसमें इनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक अन्य लोगों पर आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर समुचित धाराओं में FIR जो बनती है, जो तहरीर दी है उस पर FIR दर्ज कर ली गई है, बाकी कार्रवाई की जा रही है, विवेचना प्रचलित है, सिपाही जो साक्ष्य मिलेंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। सिपाही लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या छाना इंचार्ज को मालूम था? हम इस पे बताया हमने कि FIR दर्ज कर ली गई है और छानबीन करके परिजनों से जानकारी करके विवेचना करेंगे, जो भी तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी।